प्रभु चावला जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आंकड़े लगातार युवाओं की दिखा रहे हैं कि युवा ज्यादातर इस बार गए हैं तेजस्वी यादव के साथ। क्या ये नौकरियों का वादा महत्वपूर्ण रहा? और नीतीश कुमार जो बोलते रहे कि पैसा कहां से आएगा, वो यहां तक कह गए कि नकली नोट दोगे या जिसकी वजह से जेल गए थे वहां जो पैसा कमाए हो उससे दोगे, ये सब उनके लिए मुश्किल बन गया? मैंने तेजस्वी जी को भी सुना और सुशील कुमार मोदी जी ने बजट प्रेजेंट किया वो भी सुना था और अपने मुख्यमंत्री जी को भी सुना। मैं इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूँ और इकोनॉमिक्स 10 साल तक पढ़ाई भी है मैंने। मोदी जी ने 2017 के अंदर प्रॉमिस किया था कि वो 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे 3 साल के अंदर, और 2020 में बैठे हैं कितनी जॉब्स क्रिएट हुई जबकि उनके पास बजट है 2,11,000 करोड़ का बजट है। जैसे तेजस्वी जी कह रहे थे कि 40% अनस्पेंट है यानी उनको खर्चा नहीं किया गया। जॉब क्रिएशन का मतलब क्या, अगर वैकेंसी की स्टडी करें, मैंने अभी फिगर कहीं देखी थी, लगभग 3 लाख नौकरियां तो सरकार में वहां खाली पड़ी हैं, टीचर्स की हैं, पुलिस की हैं, छोटे तबके लोगों की हैं, जहां काम पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर हैं, ऐसी नौकरियां जो फुल का जितनी सेंक्शन स्ट्रेंथ है 3 लाख तो आप क्रिएट कर सकते हैं उस बजट के अंदर जो आपने खर्च नहीं किया है। तो 10 लाख वर्थ नौकरियां क्रिएट करना एक साइंस है कैबिनेट के नोट से, एक दिन में तो नहीं क्रिएट हो जाएंगी। ये कोई अनफिजिबल नहीं है, ये कोई सपना नहीं है जो तेजस्वी ने प्रॉमिस किया है। 19 लाख शायद क्रिएट नहीं कर पाए जो सुरेश मोदी ने प्रॉमिस किया है, उस बजट में इतना प्रावधान कि 19 लाख में हो जाएंगी, जबकि सारे देश के अंदर मोदी जी अपनी प्रॉमिस नहीं कर पाए। 2014 में भी उन्होंने जॉब्स की प्रॉमिस की थी कि जॉब क्रिएशन डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ आपका कितना होता है। बिहार के अंदर मैंने पहले कल भी कहा था आपको कि रिकॉर्ड है, 12% ग्रोथ रेट हुआ है बिहार का, जो देश से दुगना है, पर उसका कारण कहां गया वो ग्रोथ, जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हुई, ये देखने वाली बात है। आज से 15 साल पहले जब नीतीश कुमार जी ने टेक ओवर किया था, कृषि का कंट्रीब्यूशन बिहार की जीडीपी में लगभग 35% से 36% था, अब वो कम होकर के 15% आ गया, जबकि बिहार के ऊपर कृषि पे निर्भर करने वालों की संख्या 60 से 50 हो गई, यानी कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो जीडीपी किसान की है वो घटती चली जा रही है, जिसकी वजह से इनकम कम होती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर आपके बाहर से लोग आकर जमा हो गए। तो इसलिए जो क्रिएशन की बात है, आर्थिक दृष्टि से जो तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने एक्सपर्ट को कनेक्ट किया है, जॉब ये सपना नहीं है। अगर तेजस्वी जी अपने इकोनॉमी अच्छे रखते हैं, अपने सलाहकार अच्छे रखते हैं और बजट के ऊपर पैनी नजर रखते हैं, मेरे को लगता है कि 10 लाख जॉब क्रिएट करना बड़ी मुश्किल नहीं होगा। बिहार के अंदर पैसा भी है, विकास भी हो रहा है, कि बड़े लोगों के लिए विकास नहीं हो, छोटे लोगों के लिए छोटी नौकरियां बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि विकास और तेजी से होना है। राजीव रंजन जी, इधर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे और उनको जवाब देने में नीतीश कुमार ये बता रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, मतलब पैसा नहीं है, बता रहे थे कि नौकरी का ये मामला जो है ना ये सुलझने वाला नहीं है, वो बता रहे थे कि क्या जेल वाला जो जिसकी वजह से जेल गए वहां वाला पैसा इसमें लगाएंगे, नकली नोट लाएंगे, मतलब पैसा है ही नहीं राज्य के पास, नौकरियों की बात जो आपको बता रहा है वो गलत बता रहा है, मतलब अपनी असमर्थता भी वो उसमें दिखा रहे थे, उल्टा पड़ेगा ना, देखिए नौकरियों की मांग में नौकरियों की परेशानी से जनता जूझ रही थी। मैं प्रभु चावला जी की जो उनका जो आकलन है मैं उसको कोई चुनौती नहीं देना चाहूंगा, एक अनुभवी और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन नीतीश कुमार जी को जो लोग जानते हैं आसमानी वायदों में उनका कभी यकीन नहीं रहा, वो ये जरूर प्रयास करते हैं जो वो कहें वो करके दिखाएं, और बिहार में जो उनके 15 वर्षों का शासन जो बड़े फैसले हैं उन फैसलों को उन्होंने पहले सार्वजनिक तौर पर उसका ऐलान किया और एक समय सीमा के अंदर उसको जमीन पर उतारा। अब वो चाहे कानून का शासन हो, बिजली का सवाल हो, चाहे वो 7 निश्चय का सवाल हो या शराबबंदी का, ये 4 ऐसे फैसले हैं जिसको उन्होंने पहले सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया और जमीन पर उतारा। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा नौकरियों को लेकर के, सबसे पहले तो झारखंड में कमोबेश इसी नारे के साथ वहां भी महागठबंधन की सरकार थी, आज 9 महीने हो गए, 6 महीने के अंदर रिक्त पदों को भरने का ऐलान था और बाकी नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात कही गई थी, आज एक भी नौकरी नहीं मिली। और इसके पहले उन्होंने क्या किया, अब ये चुनावी भाषण तो है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कि अब तक के 3 ऐसे कालखंड थे जब नौकरियों को लेकर के वो ईमानदार दिख सकते थे, खुद के 18 महीनों का कार्यकाल बतौर उप मुख्यमंत्री जब उनके कोटे से अनेक मंत्री थे, एक कार्यकाल है जब रेल मंत्री के तौर पर लालू जी ने काम किया और नौकरियों को लेकर के जो गड़बड़ झाला पूरे देश के सामने आया वो भी देश को याद है, और इसके पहले 15 वर्षों का उनका शासन,
तो मुझे लगता है अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा नहीं है, और आने वाले समय में एक कैबिनेट में एक फैसले से जो जेपी नड्डा साहब ने भी कहा, ये आज तक इस देश में हुआ नहीं है। लेकिन लोक लुभावन नारों को सामने रख करके कई बार लोगों को आप अपने साथ जोड़ पाते हैं, ये भी आने वाला जो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल का जो नतीजा होगा, दोनों के बीच का जो फर्क है वो चूंकि आपका विषय नहीं है, नहीं तो उसमें कई ऐसे झोल हैं जिससे मैं हम लोग ये कह पाएंगे कि अभी इसको एग्जैक्ट पोल नहीं मानते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।